प्यारा दोस्त, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत सारा वीडियो दिखाया, उस वीडियो में एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट हो रहा था। तो उसका रीज़न क्या था गाइस, तो हम देखने वाले हैं। और मैंने आपसे वादा किया था सफ़र पे निकलेंगे, तो चलो निकलते हैं। 1 2 3 गेट स्टार्ट। ओके, तो आज एकदम सही टाइम पे आप लोगों ने सुना, क्योंकि ये GTN है, तो GTN मेरी बात सुनते ही है। तो गाइस, जैसे उस दिन हमने स्टार्ट किया था बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में बहुत आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि आउटर एज एज कम्पेयर टू इनर एज के कंपैरिजन में हाइटेड होता है, थोड़ा ऊँटा हुआ रहता है, जैसा आपको पता है। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों जाता है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है। अब ऐसा मत बोलना कि किस्मत ख़राब है इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है। बट हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हर बातें साइंस के थ्रू करते हैं। तो आप ये वाली बातें मत करना कि सर उसकी किस्मत ख़राब है, लगता है इसलिए एक्सीडेंट हो गया, मैं तो ऐसे ऐसे उड़ता था, मेरा कभी नहीं हुआ। पर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम साइंस वाली बातें करेंगे। तो गाइस, जैसे कि अगर कोई भी कार या बाइक जब टर्न पे आके सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने जाता है, मतलब टर्न लेने जाता है, तो उस समय जब वो एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट होता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है बताओ, फटाफट बताओ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको सेंटर से दूर लेके जाने का काम करता है, जिसके कारण, और मैंने आपको ये भी बताया अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे, कि हर कोई स्ट्रेट जाना चाहता है, कोई इधर उधर नहीं जाना चाहता। तो कार जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड पे से आता है तो वो ऐसे ही जाना चाहता है, वो टर्न लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो कौन से मोशन में रहता है? एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन के कारण उस पर सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। तो दोस्तों, इसीलिए वो डायरेक्ट ऊपर ही जाने का ट्राई करता है। बट इसी टाइम सेंटर की तरफ से एक और फोर्स रहता है, जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे आपको पता है, कौन क्रिएट करता है फ्रिक्शन। बट अगर यहाँ फ्रिक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो गाड़ी आराम से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगी। बट अगर यहाँ फ्रिक्शन उसके कंपैरिजन में कम रहा, किसके कंपैरिजन में? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपैरिजन में, तब तो हमारी नैया की खवैया कहीं और लग जाएगी और हम कहीं और उड़ चलेंगे। तो भाई, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना ये पड़ेगा कि हमें रोड को बैंक करना पड़ेगा। और बैंक करने से ये होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, और ज़्यादा फोर्स किसकी तरफ लगेगा? सेंटर की तरफ। और इसके कारण हमारा जो कार होगा आराम से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा। ओके, समझ में आ गया होगा भाई, हम इतना ही समझा सकते हैं। डेरिवेशन के लिए, जिससे रिलेटेड डेरिवेशन है, एंगल ऑफ बैंकिंग। और एक चीज़ और, अब हर चीज़ों का लिमिट होता है, आपके खाने से लेके हर चीज़ों का लिमिट होता है, सब चीज़ें लिमिट में अच्छी लगती है। तो लिमिट में मैंने इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके मन में ये आ रहा है कि यार रोड एक बार बैंक करेगा, मेरा जितना मर्जी करेगा उतने स्पीड से कार चलाऊँगा। तो ये भाई ऐसा मत सोचो, हर चीज़ों का लिमिट है, बार बार बोल रहा हूँ। तो ऐसे बैंक रोड पे हम कितने स्पीड में भगा सकते हैं, इससे रिलेटेड भी एक डेरिवेशन है। और एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब दोनों आउटर एज और इनर एज के बीच जो एंगल बनता है, उससे रिलेटेड भी डेरिवेशन है। और एक ऐसा डेरिवेशन भी है कि विदाउट लिटिल बिट फ्रिक्शन का यूज़ करके हम वहाँ कैसे अपने कार को घुमा सकते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब तो हमसे होने वाला नहीं है, हम नहीं करवा सकते।
तो आपको जो करवा सकता है उसका नाम कमेंट्स में लिखो, वही आपको अब आके ये सब करवाने वाला है। तो लिखो भाई उसका नाम कमेंट्स में लिखो, आप किसको बुला रहे हो, बुलाओ अपने जो भी सर होंगे जो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं आपके प्यारे दोस्त, मतलब दोस्ती बोल लो क्योंकि दोस्त बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सर बोलोगे तो इंटरेक्शन इतना हमारे बीच में नहीं बनेगा, एक दोस्त ही दोस्त को समझा सकता है। ओके, तो इसीलिए एक दोस्त के लिए सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, क्योंकि दोस्त की बात आप ज्यादा सुनते हो ना, इसलिए एक दोस्त बनकर ही आपको समझाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ इतना सारा कलरफुल दिखाई दे रहा, हर चीजें मैंने अलग अलग लिखी है, बाकी अभी एक और इसको रफ करने का फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, तो शायद ये दिखा हुआ मुझे एक चीज के लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ। सॉरी इसलिए मांगना चाहता हूँ कि जगह बहुत छोटा है, इसलिए मैंने सबको बहुत चिपका चिपका के लिखा हुआ है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है, इतना बड़ा बोर्ड मिल गया, कहाँ कहाँ से हमने जुगाड़ किया है मिल गया और इसी पे मैंने लिख दिया है, तो आपको इतना एडजस्ट करना पड़ेगा और मेरी तरफ से इसके लिए सॉरी मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, अब पहले अगर ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पर इससे पहले आप पुराना वाला वीडियो जाके देख ले, पुराना वाला वीडियो अगर देखेंगे तो ही ये समझ में आने वाला है, नहीं तो ये समझ में आने वाला नहीं है। मैंने उस वीडियो में बताया था प्लेन कव रोड पे जब गाड़ी चलती है तो उस पर क्या क्या कंडीशंस होता है, क्या मैक्सिमम स्पीड गाड़ी की क्या होती है, ये डेरिवेशन मैंने निकाला है, मैक्सिमम स्पीड प्लेन कव रोड पे क्या होगा ये हमने फाइंड किया हुआ है, और आज हम फाइंड करने वाले हैं जो जो अभी मैं जो बता रहा हूँ उसे फोकस करना, अगर वो अच्छे से फोकस कर लोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। आज हम क्या क्या चीज फाइंड करने वाले हैं, मैक्सिमम स्पीड पर किस पे फाइंड करने वाले पता है, कर्व बैंक रोड पे बैंक रोड मतलब पता है आउटर साइड क्या होगा बताओ, आउटर साइड के आउटर जो एज होगा वो इनर के कंपैरिजन में ज्यादा हाइट होगा, और इनर क्या होगा नीचे होगा, और वो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल हमारे लिए क्या होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग। आउटर एज राइज होता है इस कंपेयर टू इनर एज, और वो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वही होता है हमारे लिए एंगल ऑफ बैंकिंग। तो दोस्तों आज हम फाइंड करेंगे पहला ये कि मैक्सिमम स्पीड ऑन अ कर्व बैंक रोड पे फाइंड करेंगे। और दूसरा एक चीज और अच्छे से फोकस करो, दूसरा हम फाइंड करने वाले ऑप्टिमम स्पीड। सर क्या ला दिए ऑप्टिमम स्पीड, तो ऑप्टिमम स्पीड एक ऐसा स्पीड होता है जिसपे व्हीकल अगर बैंक रोड पे जाता है तो विदाउट फ्रिक्शन, अगर वहां फ्रिक्शन अगर टायर में फ्रिक्शन भी हेल्प नहीं कर रहा है तो भी विदाउट थोड़ा लिटिल बिट वेयर एंड टेयर के साथ जो हमारी कार रहती है उस बैंक रोड पे से आराम से निकल जाती है। याद रखना कि अगर जहां रोड जहां बैंक होता है ऑप्टिमम स्पीड किसको बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड उसको बोलते हैं अगर रोड हमारा क्या है बैंक है, तो उस बैंक के हेल्प से ही हमारी जो कार होती है वो आराम से निकल जाती है विदाउट फ्रिक्शन के, विदाउट वहां फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लिटिल भी थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर होता होगा, पर किसका हेल्प ज्यादा लगता है, किसका हेल्प ज्यादा लगेगा बताओ, उस बैंक जो सरफेस है उसके हेल्प से हमारी कार आराम से चली जाती है, वहां फ्रिक्शन बहुत कम रहता है, बोला जाए निग्लिजिबल के बराबर हम नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत रहता है वेयर एंड टेयर पर हम काउंट नहीं करते फ्रिक्शन को, कब ऑप्टिमम स्पीड में वेयर एंड टेयर बहुत लिटिल बिट होता है, और वहां फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल टू हम जीरो लेंगे किसमें, ऑप्टिमम स्पीड में। और मैक्सिमम स्पीड में जो हम मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने वाले हैं कि इससे ऊपर अगर बैंक का रोड पे भी गाड़ी हम लेके गए तो भी गाड़ी हमारी पार हो जाएगी, ओके डायरेक्ट वहीं ऊपर चले जाओगे, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी ज्यादा होनी चाहिए कि हम इस बैंक रोड पे कितनी ज्यादा गाड़ी भगा सकते हैं, हर चीज का लिमिट होता है, तो उस बैंक रोड का भी एक लिमिट होता है कि इसके ऊपर हम कितनी गाड़ी भगा सकते हैं, तो उस पर फ्रिक्शन भी काम करता है और बैंक रोड भी हेल्प करता है, पर ऑप्टिमम स्पीड में बैंक रोड काफी है, फ्रिक्शन अगर लिटिल बिट रहेगा तो भी चलेगा, पर हम यार डेरिवेशन की तरफ ऑप्टिमम स्पीड में फ्रिक्शन को क्या लेंगे जीरो, तो ऑप्टिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड और लास्ट हम ये दोनों डेरिवेशन के हेल्प से जो हमारा जो डेरिवेशन है ये पूरा डेरिवेशन का जो पार्ट है वो है एंगल ऑफ बैंकिंग का, किसका है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एक बार और सुन लो ध्यान से हम लोग क्या क्या फाइंड करने वाले हैं, पहला हम फाइंड करने वाले मैक्सिमम स्पीड किसके ऊपर, मैक्सिमम स्पीड किस पे बैंक रोड का, किसका बैंक रोड का, इससे पहले हमने फाइंड किया था कर्व प्लेन रोड का, अभी फाइंड करेंगे बैंक रोड का, समझ में। और दूसरा हम फाइंड करेंगे ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड में फिर से बता रहा हूं फ्रिक्शन क्या होगा,
नियरली इक्वल टू जीरो, नियरली इक्वल टू जीरो मतलब लिटिल बिट वेयर एंड टेयर होगा पर नियरली इक्वल टू जीरो लेंगे, क्योंकि इतना स्पीड नहीं हो तो एक ऑप्टिमम स्पीड से विद द हेल्प ऑफ बैंक रोड से आराम से गाड़ी निकल जाती है और वेयर एंड टेयर ज्यादा नहीं होता है, कितना हम ऑप्टिमम स्पीड रखेंगे। और तीसरा, ये दोनों के बाद हम ये दोनों के हेल्प से हम था लास्ट में फाइंड कर लेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग। तो रेडी हो आप लोग? अब थोड़ा और डायग्राम के बारे में फोकस करवा देते हूँ मैं, अगर कैमरामैन यहाँ आ जाए तो ज्यादा देर, बहुत फॉरेन से मंगाया हूँ कैमरामैन को। ओके देखो क्या भारी कैमरामैन है, फोकस कर दिया, दिखाई दे रहा है आप लोग को कि नहीं? मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, पर हमारे कैमरामैन बहुत टैलेंटेड है, आपको दिखाई दे रहा हो। देखो ये डायग्राम मैंने कलरफुल डायग्राम बना, कैमरामैन बहुत खुश हो गया, देखो किसका बैकग्राउंड में आवाज आया आपको पता चल गया होगा। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये हमारा, देखो ये आउटर एज है, ये हमारा क्या इनर एज है, आउटर एज इनर एज, और ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल क्या हमारा थीटा, ये रोड का आउटर पार्ट जो उठा हुआ रहता है ये क्या, ये हमारा व्हीकल है, इसके ऊपर से आ रहा है व्हीकल, बहुत भारी बनाया है मैंने, बहुत भारी मस्त, इसके लिए तो लाइक बनता है। ओके अब आप देखोगे इस व्हीकल के ऊपर नॉर्मल, ये देखो व्हीकल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इस नॉर्मल रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, पहला एन कॉस थीटा, दूसरा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। याद रखो व्हीकल ऐसा है जो नॉर्मल रिएक्शन से परपेंडिकुलर होता है, कैसा होता है परपेंडिकुलर, तो इस नॉर्मल रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एन कॉस थीटा और दूसरा हमारा एन साइन थीटा, समझ में है? अब जैसे मैंने बताया था फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है, व्हील्स ऑफ व्हीकल एंड सरफेस ऑफ रोड, तो ये देखो, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब मैं ऐसे तो बना नहीं इसलिए ज्यादा ऐसे बनाया हूँ, एफ कॉस थीटा और दूसरा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। एक बार और ध्यान देना, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होना किस पे रहता है, व्हीकल्स के ऊपर, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। मैंने इसको ऐसे लिखा है क्योंकि ये दोनों हॉरिजेंटल है, एन साइन थीटा भी और एफ कॉस थीटा, तो एक ही मैंने लाइन पे लिख दिया है। तो एन फिर से नॉर्मल रिएक्शन कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स को एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, और जो वेट होता है वो भी क्या होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हमारा है एंगल ऑफ बैंकिंग, इसलिए यहाँ थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग। तो मेरे ख्याल से डायग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा, एक बार आउटर एज इनर एज, नॉर्मल रिएक्शन टू कंपोनेंट, हियर फर्स्ट कंपोनेंट इज एन कॉस थीटा और दूसरा एन साइन थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ओके मैंने कुछ नाम दिए हैं, आगे अब धीरे धीरे कैमरामैन थोड़ा इधर आ जाए, कैमरामैन को बहुत तकलीफ हो रहा है, तो कैमरामैन के लिए एक लाइक बनता है भाई, हमने फॉरेन से मंगाया है, अमेरिका से मंगाया पर अभी बंद है, पर हमने चोरी छुपे मंगाया है इस कैमरामैन को। तो ए बी अब कैमरामैन को हम बोले थोड़ा दूर चले जाए, कैमरामैन थोड़ा दूर चले जाओ क्योंकि हमें दोनों फोकस करवाना है। ए बी हॉरिजेंटल सरफेस दिखाई दे रहा है, हॉरिजेंटल सरफेस, ए सी, ए सी किधर है बताओ, ए सी इंक्लाइंड सरफेस, बी सी हाइट ऑफ द आउटर एज ऑफ अ रोड सरफेस, डब्ल्यू वेट ऑफ व्हीकल, थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ओके तो मैंने जो चीजें बताई आपको समझ में आ गया होगा, अब एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले एंगल ऑफ बैंकिंग का फिर से डेफिनेशन, लेट द सरफेस ऑफ अ रोड मेक एन एंगल थीटा, देखो मैंने कलर में लिखा एंगल थीटा, एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल सरफेस कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, लेट द सरफेस ऑफ रोड मेक एन एंगल थीटा विद, लेट द सरफेस ऑफ रोड मेक एन एंगल थीटा विद अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, क्या बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, अगर जिसको नहीं पता होगा तो मैंने दोस्तों फिर से बता दिया। ओके अब एक एक चीज को हम कंसीडर करेंगे, मैंने बोला नोट्स ही पूरा बना के दे रहा हूँ मैं आपको, कि आपको ऐसा नहीं कर रहा बुक उठा के बुक को ऐसे पढ़ते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, तो प्लीज आप अच्छे से वीडियो देखो और अच्छे से घर पे अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करते रहो। ओके कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m, जो व्हीकल घूम रहा है उसका मास मैंने m ले लिया, मूविंग विद द वेलोसिटी v, जिस वेलोसिटी से मूव हो रहा है उसका वेलोसिटी मैंने v ले लिया, अलोंग कर्व टर्न वाला रोड, पर वो टर्न वाला रोड कैसा है, कर्व बैंक रोड, बैंक रोड अब बता रहा हूं, बैंक रोड मतलब बार बार बता रहा हूं, बैंक रोड मतलब आउटर एज उठा हुआ रहेगा एज कंपेयर टू इनर एज, तो कर्व मतलब टर्न वाला रोड और बैंक रोड मतलब क्या आउटर एज उठा हुआ एज कंपेयर टू इनर एज, कर्व बैंक रोड
एट एंगल थीटा. कंसिडर व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी अलोंग अ कर्व बैंक रोड एट एंगल थीटा. तो समझ में आ गया जो हमने कंसिडर किया. कंसिडर व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी अलोंग अ कर्व बैंक रोड एट एंगल थीटा. हर चीजें समझा रहा हूँ, हर चीजें समझते जाओ, कुछ भी मत छोड़ो. अब दोस्तों आपको पता है कि अगर घूमना है, और एक चीज और याद रखो, मम्मी पापा को बताया नहीं होना आज कि हमें कहाँ हाईवे पे जाना है, बताना मत नहीं तो बहुत मार खाओगे मैं भी और आप भी. तो इसीलिए अब क्योंकि आप घूमने जा रहे हैं बैंक रोड पे, तो अब अगर कर्व रोड जो कर्व बैंक रोड है उस पर घूमना है तो रोड के बीच टायर के बीच में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए. टायर के बीच में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन. बट मैंने एक कंडीशन बताया था कि जिसमें स्पीड ऑप्टिमम रहता है, जिसमें ज़्यादा हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, विद द हेल्प ऑफ बैंक रोड से ही गाड़ी आराम से निकल जाती है थोड़ा वेयर एंड टेयर के साथ. तो लेट एफ बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन व्हील्स ऑफ व्हीकल एंड सरफेस ऑफ रोड. बता दिया एफ रहता है कहाँ लगता है, व्हील्स ऑफ व्हीकल एंड सरफेस ऑफ रोड. तो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एफ, हाँ अब इधर ध्यान दो, मैंने बता दिया है दोस्तों पहले बता दिया कि फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड इनटू अ टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज एफ कॉस थीटा एंड सेकंड इज एफ साइन थीटा. तो यही लिखा हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ कैन बी डिवाइड इनटू अ टू कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा अलोंग, एफ कॉस थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस. एंड देखो भाई ऐसा बनाने अच्छा नहीं लगा, एकदम डायग्राम ऐसा बनाओ, नहीं तो बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल तो ऐसा है भाई, रोड ऐसे ही चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल ऐसे ही बनाते. एफ कॉस थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस और एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा कहाँ, फटाफट कमेंट्स करके बताओ, फटाफट कमेंट्स बताओ. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो फ्रिक्शनल को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, पहला एफ एफ कॉस थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, एफ साइन थीटा अलोंग सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब फिफ्थ नॉर्मल रिएक्शन, ये देखो मार्कर थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है. नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कैन बी डिवाइड इनटू अ टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज एन कॉस थीटा एंड सेकंड इज अ एन साइन थीटा. चलो मैं छुपा लेता हूँ, बताओ कमेंट्स में बताओ फटाफट, एन साइन थीटा कहाँ है, एन कॉस थीटा कहाँ है, दिख रहे क्या, एन साइन थीटा कहाँ है, एन कॉस थीटा है, फटाफट कमेंट्स में करके बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, चीटिंग नहीं कर रहा. ओके तो एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा देखो कहाँ है, फटाफट वर्टिकली अपवर्ड डिरेक्शन. एंड एन साइन थीटा कहाँ है, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर ये समझ में आएगा तो ही कुछ समझ में आने वाला. फिर से क्योंकि मैं पूरा रफ करने वाला हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है, फिर से थोड़ा कलरफुल लिखूंगा कि आपको अच्छे समझ में आए. एफ कॉस थीटा कहाँ है, अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस. एफ साइन थीटा कहाँ है, देखो देखो एफ साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड. फ्रिक्शनल फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है. एन कॉस थीटा किधर है बताओ, वर्टिकली अपवर्ड. और एन साइन थीटा कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके एन साइन थीटा क्या है, सॉरी एन साइन थीटा क्या है, एन साइन थीटा अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. एन साइन थीटा क्या है, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो फटाफट फटाफट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दिमाग में फिट कर लो. तो हम इसको रफ करते, करेगा रफ, समझ में आया भाई, बहुत बार समझाया मैंने. ओके चलो रफ करते, ये चीजें बस याद रखना, ये चीजें याद रखना. फ्रिक्शनल फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा. एफ कॉस थीटा अलग हॉरिजॉन्टल, एफ साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड. फिर एन साइन नॉर्मल रिएक्शन, एन साइन थीटा अलग हॉरिजॉन्टल और एन साइन थीटा अलग हॉरिजॉन्टल और एन कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड. ओके तो चलो रफ करता हूँ मैं इसे और फिर मस्त लिखता हूँ. 1 2 3 तो देखो मैं रंगीन रंगीन लिख के आपके लिए आ चुका हूँ, एकदम कलरफुल लिखा तो अच्छा दिख रहा है ना, कलरफुल इसे लिख दिया मैंने आपके लिए. तो मैंने जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है आप ही आंसर बताओगे, द कंपोनेंट एन कॉस थीटा ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एन कॉस थीटा. देखो अगर जैसे कि बस मुझे नीचे से फोर्स लग रहा है, नीचे से मुझे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ऊपर से फोर्स नहीं लगेगा तो मैं उड़ जाऊंगा. अगर नीचे और ऊपर दोनों जगह से लगेगा तो मैं बैलेंस रहूंगा, मैं क्या रहूंगा, बैलेंस रहूंगा. तो सेम टू सेम एन कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, वेट ऑफ व्हीकल और एफ साइन थीटा. एन कॉस थीटा और एन कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, एन कॉस थीटा बैलेंस बाय वेट ऑफ व्हीकल और एफ साइन थीटा. तो देखो सेम टू सेम ऐसे लिख देता हूं, इस कलर से लिखेंगे हम, एन कॉस थीटा इक्वल कौन बैलेंस कर रहा है बताओ फटाफट, कौन बैलेंस कर रहा है, ये दोनों मिलके बैलेंस कर रहे हैं.
तो लिखता हूं मैं एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा कुछ चेंज कर लेता हूँ, चेंज क्यों करूंगा आगे समझ में आ जाएगा। एम जी मतलब वेट ऑफ व्हीकल, इसको ऐसे रखता हूं, एन कॉस थीटा एफ साइन थीटा इक्वल किस साइड आएगा तो क्या होगा बताओ कमेंट्स में, एफ साइन थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन, एन कॉस थीटा इक्वल एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ये कैसे है पता चला, एन कॉस थीटा बैलेंस बाय एम जी एंड एफ साइन थीटा। फिर एम जी को मैंने ऐसे ही रखा, एफ साइन थीटा इक्वल किस साइड है तो क्या हो गया माइनस एफ साइन थीटा हो गया, इसमें कोई डाउट है। अब आगे चलते हैं, मैंने बताया हर चीज को घूमने के लिए या जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स किसके कारण मिल रहा है, ध्यान दो हॉरिजॉन्टल पे जो चीजें होगी उसी से सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा होगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे रहा है, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल थे। हॉरिजॉन्टल मतलब पता है रेडियल सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा प्रोवाइडेड अ सेंट्रिपिटल फोर्स टू अ व्हीकल। ओके तो लिखते हैं हम, ध्यान दो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कौन प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों बताओ जल्दी, कौन दे रहा है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। डाउट है कुछ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये क्या दे रहा है, क्या दे रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स, इसलिए मैंने इसके इक्वल लिखा, जितना सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए हो इतना सेंट्रिपिटल ये लोग दे रहे हैं। एन साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन का एक दूसरा कंपोनेंट और एक फ्रिक्शन का दूसरा कंपोनेंट, दोनों मिलके इसको क्या दे रहे हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ध्यान दो आगे हमें कितने डेरिवेशन, फाइनल डेरिवेशन तो हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग है, पर इसी में दो डेरिवेशन और फाइंड करने वाले हैं, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग अ कर्व बैंक रोड और दूसरा फाइंड करने वाला है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा, मैंने बताया फ्रिक्शन क्या होता है उसके अंदर लिटिल बिट जीरो होता है, तो हम यहाँ डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए पूरा जीरो ले लेते हैं। फिर इसका इस पूरे का हेल्प लेके हम लास्ट में फाइंड करेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके तो अब चलो इसको भी ले लो दूसरा मार्कर, ये मार्कर बार बार चेंज करने में दिमाग खराब हो जाता है हमारा, इतना तो हमने अपने टाइम अपने बुक में नहीं सजाया था जितना यहाँ आपके लिए सजा रहे हैं। ओके तो डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, सेकेंड को किससे डिवाइड करना है फर्स्ट से, सेकेंड को किससे डिवाइड करना है फर्स्ट से, तो सेकेंड क्या है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इसको किससे डिवाइड करना है फर्स्ट से, जो फर्स्ट है हमारा एम जी इक्वल इसका क्या था, ये वाला था एन साइन थीटा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन इसका क्या था फटाफट, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ओके इसका ये एन डिवाइड किया इससे, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, एमएम गेट कैंसिल, क्या बचा चलो फटाफट बताओ क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन, दिखाई दे रहा है कि नहीं तो मैं बोलूंगा कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए, एन cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ओके तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट है आपको, हमने क्या किया सेकंड को फर्स्ट, ये कैसे आया पता चला, ये कैसे आया पता चला ना, ये कैसे आया पता चला आपको कि एन cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है वो हमने लिखा, फिर इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा वो हमने लिखा, अब फिर इसके दोनों को डिवाइड किया और ये आया। अब हम लिखने वाले हैं, कैमरामैन को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े क्योंकि मैं एक बार से यहां स्टार्ट हो जाता हूं तो कैमरामैन अपने आप एडजस्ट हो जा रहा है।
कुछ कलर करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं गैप नहीं लूंगा, डायरी की करेंगे कि बहुत कलर कर लिए। ओके तो कौन सा कलर यूज करूँ, ये। ओके लेट वी मैक्स बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल अलोंग ए कर बैंक रोड। कर बैंक रोड पता है ना, अब इससे हमें पहला डेरिवेशन मिल जाएगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी बैंक रोड का जो कितना ज्यादा उस पर भगा सकते हैं। भाई हर चीज का लिमिट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बता दिया, तो इस ये नहीं कि कर बैंक रोड बना दिया तो हम हमारा जितना मर्जी करो उतना भगाए, हर चीज का लिमिट होता है। तो इस पे भी मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी कितनी हो सकती है, मतलब मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है, तो वी मैक्स विद द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल अलग वेलोसिटी की जगह हम यहाँ स्पीड लिख देते हैं, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग कर बैंक रोड। ओके अब इसके बाद ध्यान देना अच्छे से पूरा फोकस करना हा? फिर इसके बाद हम करने वाले हैं, अब यहां V की जगह क्या आ जाएगा, V max RG n sin theta plus F cos theta upon n cos theta minus F sin theta equal to n sin theta plus F cos theta n cos theta minus F sin theta। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को, कोई भी डाउट है? ओके अब आगे लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट इसका डेरिवेशन को नंबर दे दो चाहिए तो, कौन सा नंबर चल रहा था अपना, थ्री, चलो जो भी चल रहा था आप देख लेना, नंबर में कोई होगा तो थ्री दे दिया मैंने, अगर ऊपर नीचे होगा तो देख लेना भाई, इतना नंबर इक्वेशन अपने आप लाइन वाइज कर लेना। वी नो दैट क्या आपको पता है, देख लेते हैं, ये पता है कि नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ओके तो हम इसके जगह पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर वी मैक्स अपॉन आर जी एन साइन थीटा प्लस इसके जगह क्या आ जाएगा म्यू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस क्या आएगा इसके जगह म्यू एन साइन थीटा। ओके आप कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं अभी आगे, फिर इसके बाद बहुत सिंपल है भाई, इसके आगे दोनों में से n क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन, फिर से दोनों में से n कॉमन ले लिया हमने, नॉर्मल रिएक्शन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, एन एन क्या हो गया कैंसल। सब रफ कर रहा हूं मैं, देखते जाना आगे, ये एन एन भी क्या हो गया कैंसल, अब क्या बचा बोलो फटाफट कमेंट्स में लिखते जाओ क्या बचा, ये सब चीजें तो अब आपको पता रहना चाहिए, देख के समझ में आ रहा है क्या क्या बच रहा है। अपॉन आर जी, कैमरा मैन थोड़ा ध्यान देना, जहां मैं लिखूंगा एकदम दिखना चाहिए बच्चे लोग को, एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ओके यहां तो कोई डाउट है क्या कुछ, राइट डाउट है क्या, ओके डाउट नहीं है, क्योंकि यार नॉर्मली यही सब चीजें चल रही है जो हम करते जाते हैं, v स्क्वायर मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, बस हमने v को v मैक्स कर दिया था। अब हम ये लिख लेते हैं, देखो
इसको हम ये पूरे को, ये वाले पार्ट को हम किससे डिवाइड करेंगे? ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना मेरे दोस्तों। ऊपर और नीचे, यहाँ ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करें। किसे डिवाइड करें? कॉस थीटा से। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड कॉस थीटा। देखो ऊपर और नीचे दोनों से मैंने डिवाइड किया, आपकी मर्जी, बस ऊपर से डिवाइड करना, ऐसा नहीं चलेगा। ऊपर और नीचे बैलेंस करना पड़ता है, मैथ और फिजिक्स में हर चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। तो मैंने ऊपर डिवाइड किया कॉस से, तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, नीचे वाले भी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो मैंने ऊपर कॉस थीटा से अगर डिवाइड किया, तो नीचे वाले को भी कॉस थीटा से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। यहां लिख देने का, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। ओके, ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी डिवाइड किया, तो ये बैलेंस हो गया। तो इधर जरूरत नहीं है भाई, नहीं तो बोलोगे सर इधर क्यों नहीं किया, मैंने ऊपर और नीचे बैलेंस कर दिया। यहाँ भी कॉस थीटा से डिवाइड किया, यहाँ भी किया और ऊपर किया, तो मैंने नीचे भी कर दिया। अब बताओ इसके करने से फायदा क्या होगा? चलो मैं इसको रफ करता हूँ, बी मैक्स चल रहा है हमारा, रफ करूँ ना, वीडियो पीछे देख के आप समझते जाना। अब जैसे मैंने डिवाइड किया तो बताओ क्या क्या बनेगा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो दोस्तों। V स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी राहुल गिरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलो यही कर देता हूँ, कॉस थीटा कैंसल। टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन, यहाँ कॉस थीटा गया तो बचेगा वन माइनस, जीरो मत लिख देना, कॉस थीटा पता है ना, वन को रहे तो वन आता है, जीरो मत लिख के बैठ जाना, नहीं तो वो जो जीरो लिखेगा ना वो भाई इस दुनिया का आदमी नहीं हो, अलग प्लैनेट दूसरी दुनिया से आया है। तो कॉस थीटा कैंसल, आगे क्या गया? माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। ओके, अब वी स्क्वायर मैक्स, ये आर जी डिवाइड में इक्वल किस आ गया, तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो गया? टेन थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू टेन थीटा, और इसको हमने ये दे दिया। अब और क्या चेंज कर सकते हैं हम मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए? देखो जहां तक चेंज फिजिक्स, वो डेरिवेशन होता है फिजिक्स में, ऐसे डेरिवेशन होते हैं कि जब तक आप उसको सॉल्व कर सकते हो तब तक सॉल्व करना है, जब तक उसका लास्ट लिमिट होता है। तो अभी भी हम स्क्वायर को कहां लेके जा सकते हैं? स्क्वायर रूट में। तो वी मैक्स इक्वल अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। ओके, अब ये आ गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग कर्व बैंक रोड। ओके, This is expression for maximum speed of vehicle. मतलब गाड़ी का है, तो गाड़ी की स्पीड की बात करें, कितना स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, कितनी स्पीड भगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूले का हम करके, देखो ये फॉर्मूला फाइंड करके हम बता सकते हैं कि हम बैंक रोड पे कितनी स्पीड, कितनी मैक्सिमम स्पीड वहां का, आप उसका एंगल ले लो, उसका थीटा ले लो, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता ही है, वहां का रेडियस ले लो जो सर्कल फॉर्म होगा, उसको पुट करके फाइंड कर लो, तो आप पता चल जाएगा आप कितना भगा सकते। तो दोस्तों मैंने बाकी चीजें रफ कर दी है, क्योंकि अपनी जीटी की फैमिली बहुत स्ट्रांग है, तो बार बार उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जीटी की फैमिली मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। ओके, हंस रहे हो, सच बोल रहा हूँ, मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। तो
ओके मैंने उसको रफ कर दिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना, जो मैंने मैक्सिमम स्पीड फाइंड कर लिया। दूसरा चीज हमें फाइंड करना ऑप्टिमम स्पीड। तो ऑप्टिमम स्पीड के लिए पहले ही बता देता हूँ, उस टाइम भी मैंने बताया था, अभी बता देता हूँ। यहाँ फ्रिक्शन जब हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शन को हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को पूरी तरह से जीरो लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को पूरी तरह से जीरो लेंगे। जीरो क्यों लेंगे? क्योंकि डेरिवेशन सॉल्व नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पूरी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है, लिटिल भी, थोड़ा बहुत रहता है। और बाकी का जो काम कौन करता है? वो बैंक रोड काम करता है। विद द हेल्प ऑफ बैंक रोड गाड़ी आराम से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेती है, क्योंकि वहां इतने ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। किस पे? जब गाड़ी का स्पीड कैसा ऑप्टिमम हो, कैसा ऑप्टिमम, ऑप्टिमम स्पीड पे फ्रिक्शन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। मतलब ना बोला जाए तो लिटिल भी, थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर होता है। ओके और बाकी मैक्सिमम स्पीड, अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो दोनों की जरूरत पड़ती है, फ्रिक्शन के भी और बैंक रोड भी चाहिए। बैंक रोड दोनों के हेल्प से उसका सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाया जाता है। मतलब नैया की खवैया पार लगाई जाती है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया ना तो डायरेक्ट खवैया ऊपर चली जाएगी। कहाँ ऊपर चली जाएगी, क्या बोल रहा हूँ कमेंट्स में लिख के बताओ। ओके तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ऑप्टिमम स्पीड, जो मैंने बता दिया कि डेरिवेशन के लिए हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, जीरो। किसको? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। तो मैं लेता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, जीरो ले लिया। अब जीरो ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? वी मैक्स अब नहीं लेंगे, वी ऑप्टिमम स्पीड है इसलिए मैंने ओ ले लिया। अब हो जाएगा यहाँ आर जी, ये जीरो हो गया तो ऊपर बस क्या बचा, टेन थीटा। ये जीरो रहा तो ये भी पूरा जीरो हो गया, और वन का कोई मतलब नहीं होता, जिसको वन अच्छा लगे वो वन नीचे लिख सकता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम स्पीड फॉर व्हीकल अलोंग कर्व बैंक रोड। ओके दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम स्पीड फॉर व्हीकल अलोंग अ कर्व बैंक रोड। तो ये किसका हो गया? ऑप्टिमम स्पीड का हो गया। ये ऑप्टिमम स्पीड का भी डेरिवेशन बस इसके जगह पे मैं क्या लिखना था, जीरो लिखना था, कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वहाँ जीरो होता है। पर मैंने बोला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पूरी तरह से जीरो नहीं होता, पर इसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत होता है, लिटिल बिट वेयर एंड टेयर, लिटिल बिट, हाँ ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, लिटिल बिट वेयर एंड टेयर होता है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम स्पीड फॉर व्हीकल अलोंग अ कर्व बैंक रोड। अब आ गया हमारा फाइनली, हमें जो फाइंड करना है एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ बैंकिंग। तो हम इसका हेल्प लेते हैं फिर से। देखो इक्वेशन का नंबर देते जाना भाई, नहीं तो नंबर का इधर उधर गड़बड़ हो गया तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आर जी टेन थीटा स्क्वायर रूट इस साइड आया तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट इस साइड आया तो स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया आर जी टेन थीटा। चलो बता दो पहले एंगल ऑफ बैंकिंग का क्या आएगा फाइनल डेरिवेशन, दिमाग लगा के बताओ क्या आएगा फाइनल डेरिवेशन। क्लास में ऐसे ही बताता हूँ ना, पहले दे देता हूँ टाइम करके बताओ, तो यहाँ इतना टाइम नहीं होता, डायरी भी करवाना रहता है इसीलिए। वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू टेन थीटा, थीटा ऐसे ही रहेगा वही, बट टेन इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये पूरा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो दोस्तों हो गया, ये क्या हो गया, यही हो गया हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग जिसका हम वेट कर रहे थे। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब चीजें पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो इतना ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, इतना हार्डवर्क किया जा रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। ओके तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।